दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। आज का दिन तीन मरले के स्पेशल रॉयल विक्टोरियन स्पेनिश हाउस के नाम, बहुत ही ख़ास है दोस्तों ये। और डिज़ाइन भी आपने मेरा नहीं ख्याल तीन मरले में इस तरह का डिज़ाइन देखा होगा। टिपिकली दोस्तों ये एक अमेरिकन स्पेनिश स्टाइल है जिसको हम विक्टोरियन स्टाइल भी कहते हैं और घर जो है काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। इसकी सारी डिटेल्स आपको सारा कुछ दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपकी नज़र में भी इस तरह का कोई खूबसूरत घर है ज़रूर बताइएगा, उसकी भी आके प्रॉपर एक आपको डिटेल टूर करवाएंगे। दोस्तों ये घर मॉडल टाउन लाहौर में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम फेज़ टू, वहाँ ये तीन मरले का स्पेशल किस्म का घर है और आज इसको आपको टूर करवाएंगे। अच्छी खबरें भी देंगे एक बुरी खबर भी देंगे आखिर में, और तभी कह रहा हूँ बने रहिएगा। डिज़ाइन अगर देखा जाए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों इसके बारे में ये मैं बात बता दूँ, इनका चैलेंज है, बिल्डर का चैलेंज है कि तीन मरले में कोई भी इस तरह का क्वालिटी वर्क, इस तरह का डिज़ाइन और इस तरह के फीचर कोई भी नहीं दे सकता। उनका ये चैलेंज है कि कोई भी तीन मरले में इतना अच्छा क्वालिटी वर्क, फीचर्स और ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करके दे सकता। तो चलें आपको टूर करवाते हैं दोस्तों। सबसे पहले पोर्च है इसका, स्मॉल साइज़ स्मार्ट साइज़ का पोर्च है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों हर चीज़ पे बहुत मेहनत हुई है। ये डिज़ाइन आपको देखने में लग रहा है ये पिलर शिलर, मगर ये दोस्तों इन पे वाकई बड़ी मेहनत होती है और बहुत ही मुश्किल काम है ये। इसमें हर चीज़ एंगल एलिवेशन हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये रोड बंद है, इधर घर है, ठीक है, इधर घर है और यहाँ उधर से उसकी एंट्रेंस है। अगर आप आओगे तो आप वहाँ से आओगे और यहाँ आप आ जाओगे, ठीक है। इसमें ये है कि छोटी गाड़ी आपकी आ सकती है, बड़ी गाड़ी की जगह नहीं, क्योंकि तीन मरले में हूँ इन्ना ही शुगल बड़ा है भाई। हूँ तुम कहो कि तीन मरले में लैंड क्रूज़र आ जाए तो वो तो दोस्तों नहीं हो सकता कि घर भी हो लैंड क्रूज़र भी आ जाए। आपको टूर करवाते हैं दोस्तों घर का, दिखाते हैं। सबसे पहले ये इन्होंने यहाँ ये मार्बल लगाया हुआ है, स्मार्ट साइज का पोर्च है, लाइट भी काफ़ी फैंसी हैं और ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने दोस्तों इम्पोर्टेड यूज़ की हैं। इसमें ये आ गया जी हमारा सबसे पहले पोर्च है, कार पोर्च, या वैसे बाइक ही खड़ी हो सकती है, कोई बहुत छोटे स्मार्ट साइज़ की कोई गाड़ी हो तो वो खड़ी हो सकती है। ये जी मीटर आ गया, ये पानी का कनेक्शन आ गया, ये पी ट्रैप आ गया ये वाला, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों देखा जाए यहाँ से दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है आपको सारे घर का और एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। ये जी इसका बाहर वाला आ गया हिस्सा, कोशिश करूँगा मैं वीडियो अनकट बने, कहीं भी कटिंग मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इधर से दोस्तों बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह, फॉर सीलिंग भी अच्छी है। इसका डिज़ाइन मैंने बताया ना ये स्पेशल ही है, बाइक के शोर की वजह से माजरत। ये इधर से हम एंटर हो गए मेन घर में, घर में दोस्तों एंटर होते ही एक बहुत अच्छा एहसास होता है कि तीन मरले में इतना कुछ, इतनी मेहनत की हुई है तीन मरले में। हालांकि ऐसे नहीं होता, वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगाए हुए हैं और ये भी दोस्तों इम्पोर्टेड है, ठीक है। वहाँ से एंट्री और यहाँ से आप आ जाओगे, ये टू स्टोरी घर है, ठीक है। ये जी एक इन्होंने इधर पानी का तो नहीं है, मगर ये है कि इसमें पानी आप रख सकते हो। ये एक आर्टिफिशियल सा एक लॉन सा आप कह लो बनाया हुआ है और डिज़ाइन काफ़ी इसका मैच कर रहा है, कंट्रास्ट काफ़ी मैच कर रहा है आपके इधर टीवी लॉन्च के साथ। दोस्तों ये टीवी लॉन्च है, ठीक है, इसमें भी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है। इधर ये कि लाइटें आपको जो शैंडी ले रहा है आप अपनी पसंद का खुद लगवाओगे, ठीक है।
शोर दोस्तों जो आ रहा है उसके लिए बड़ी मात्रत, ये भी बहुत ही ख़ास स्पेशल किस्म का आपके सामने काम किया गया है और इसमें एंटीक काम है क्योंकि ये रॉयल घर है, मैंने बताया ना विक्टोरियन हाउस है, विक्टोरियन हाउसेज इस तरह के ही होते हैं। इधर से भी देखा जाए काफ़ी अच्छा एक आपको एहसास होता है, फीलिंग आती है। यहाँ आपका टीवी लगेगा सामने, यहाँ पे ये कि आपका तकरीबन 40 इंच का एलसीडी लग सकता है, इससे बड़ा नहीं, बड़ा भी लग सकता है वो फिर आपकी यहाँ आ जाएगा दीवार का वो जिसे कहते हैं ना टोर जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा। आते हैं दोस्तों इधर किचन में, ठीक है, किचन में भी वाइट टाइल्स का काफ़ी अच्छा यूज़ है और इसमें भी लकड़ी इन्होंने जो है ये यूवी ग्लास है, यूवी है, यूवी शीट्स की, ये आजकल काफ़ी चल रहा है। फिर ये भी सारा इम्पोर्टेड ही होता है ये, ठीक है। इसका ये भी दोस्तों ये कि खाना बना रहे हो ये शक्कर, तो घर दोस्तों बहुत ही स्पेशल मैं बता रहा हूँ। ये भी आप देखो मार्बल का, सॉलिड मार्बल है, फिर चूल्हा सारा कुछ, और इसमें दोस्तों ये लेमिनेशन भी अच्छी की गई है, मैंने बताया ना ख़ास घर है ये, यहाँ से जी खुलता है ये कि लॉन्ग लास्टिंग जहाँ तक उन्होंने हो सका किया है, इसको मेंटेन किया है इसका स्टैंडर्ड। और इनका मैं बता रहा हूँ चैलेंज है कि आप ये नहीं इस तरह का कोई भी घर लाहौर में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ और की कहीं की नहीं कर रहा, लाहौर में ऐसा घर कोई भी नहीं बना सकता इस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए। इधर से दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको बाहर का व्यू आता है, ठीक है। चलते हैं अगले कमरे की तरफ। ये दोस्तों आपका मेन आप कह लो फर्स्ट बेडरूम है, इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हो। इधर भी काफ़ी अच्छा एक एहसास आता है और घर में मैं बताऊं घर बहुत ही स्पेशल है। इसका डिज़ाइन करते हुए रोशनी का ख़ास ख्याल रखा गया दोस्तों, ये ख्याल हर कोई नहीं रखता। ये देख रहे हो आप ये क्या शुगल है दोस्तों, यहाँ रोशनी का इन्होंने ख़ास ख्याल रखा गया है कि रोशनी ना रुके घर की, ठीक है। ये देख लो यहाँ से ये कि आपको ऊपर का व्यू मिलता है, इधर से भी रोशनी आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, देख रहे हो इधर से भी आ रही है, यानी तीनों तरफ से दोस्तों रोशनी का बहुत ही ख्याल रखा गया है इस घर में, ठीक है। थोड़ा सा गले के लिए माजरत, घर ही इतना स्पेशल है क्या करें। और दोस्तों सारा घर मैं डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें फिर आ जाते हैं इधर वॉशरूम, जो मास्टर बेड के साथ है वॉशरूम वो भी दिखाते हैं आपको, तभी कह रहा हूँ बने रहिएगा दिल थाम के। इसमें भी दोस्तों चीज़ें हर इन्होंने इम्पोर्टेड यूज़ की है और बेस्ट से बेस्ट। थोड़ा सा आपको कैमरे का ब्लर आ रहा होगा, फ्लिकरिंग इफेक्ट, ये देख रहे हो दोस्तों ये शुगल होते हैं इम्पोर्टेड चीज़ों में। बड़े भाई मेरे से बहस करते हैं यार इम्पोर्टेड आपकी मेड इन पाकिस्तान, मेरे भाई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें नहीं बनती स्टैंडर्ड की, तो इसलिए मेरे भाई ये इम्पोर्टेड ये चाइनीज सारी चीज़ें आपको यही लेनी पड़ती हैं। इसमें फिर इटालियन भी आ जाती है वो तो बहुत महंगी होती हैं, देख रहा हूँ हर जगह यही चल रहे हैं शावर्स। इसमें भी फॉर सीलिंग काफ़ी अच्छी की है और ये है कि कम्बिनेशन जो है इसका वॉशरूम का काफ़ी ही एक कमरे से मैचिंग करता है। फिर ये टच है, ठीक है, ये टच कर दिया और आप इधर हो। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा, आपको और भी घर दिखाते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। ये मास्टर बेडरूम है, इधर ये कि आपका बेड लग सकता है इजीली, इसमें वार्डरोब है आपके पास और एक आधा आप ड्रेसिंग टेबल रख लो तो इजी हो जाता है। इससे ज़्यादा आप चीज़ें इसमें करोगे तो आपका कंजेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि इधर से पता तीन मरले के एरिए के हिसाब से आपको इसमें एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देख लो वॉशरूम जाते हुए दिखा दें, खिड़की एक बार बंद कर दें जी। अब आ जाते हैं हम ये मेन टीवी लॉन्च, ये फर्स्ट बेडरूम आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट बेडरूम वॉशरूम अटैच बात, ये किचन आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हम ऊपर की तरफ चलते हैं, मैं बता रहा हूँ ना घर बहुत ही खास है, इन्होंने काम हर तरफ से अगर आप देखो इधर से भी उधर से भी हर जगह में इन्होंने रोशनी का हिसाब दोस्तों रखा हुआ है कि रोशनी आए, रोशनी ना रुके, हवा ना रुके। इससे दोस्तों खास बात क्या हो सकती है, ये देख रहे हो यहाँ ये भी बहुत अच्छा है इन्होंने, ये कि वर्साचे स्टाइल की ग्रिल है, ये सारा मार्बल है दोस्तों, ठीक है। इधर मैंने बताया ना बाहर का एक अच्छा व्यू। लोकेशन दोस्तों इसकी मैं सारी समझा दूंगा, लोकेशन के लिए एक और अलग सी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोकेशन दोस्तों मॉडल टाउन में आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, अगर आप एक दो दफ़ा आए हो तो फिर आपको ये मिल जाएगी, मॉडल टाउन लिंक रोड पे है,
मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड उसके सामने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम फेज टू है, ये उधर है। ऊपर आते ही दोस्तों यहाँ भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, रोशनी का भी एहसास होता है आपको कि हर जगह वेंटिलेटेड, वाइट टाइल्स का काफ़ी अच्छा यूज़ है। और ये जी इन्होंने शैंडिलेयर काफ़ी अच्छा लगाया है, ये हम वहाँ से जी आगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ भी वर्सेचे स्टाइल की ग्रिल्स हैं दोस्तों, ख़ास घर है ख़ास लोगों के लिए, तभी कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा। ये आ जाता है जी हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम, इसमें भी ये वुडन काम, और दोस्तों ये लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में, ये और कहीं जगह नहीं। इधर भी देख रहे हो आप, इन्होंने रोशनी का मैंने बताया ना हर जगह से, और फिर ये स्मॉल टेरेस भी है, ये स्मॉल टेरेस, ये आप आ जाते हो यहाँ से बाहर, ठीक है। ये दोस्तों हम बाहर आ गए इधर से, ये जी हम बाहर आ गए इधर से, ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर खड़े हैं इस टाइम पोर्च में। घर काफ़ी स्मार्ट शहर का दोस्तों, इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है वाकई, ये आप अगर लाइव देखो तो आपको इस चीज़ का एहसास हो और आपको पता चले। देखते हैं जी, यहाँ भी आप एलसीडी अपना लगा सकते हो, और स्विचेस दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें मैं बता दूँ चाइनीज़ है, क्योंकि इम्पोर्टेड चाइनीज़ जो है इस टाइम टॉप पे अच्छी क्वालिटी बहुत चल रही है, और इन्होंने अच्छी क्वालिटी ही यूज़ की है। ये वॉशरूम है जी, ये मास्टर का, और ये भी इन्होंने, ये सारा दोस्तों इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है, ठीक है। इधर भी दोस्तों ये बड़ा अच्छा है इन्होंने, इसका टेक्सचर, इसका डिज़ाइन, ये भी सारा टच है। अगर दोस्तों आप इसको प्यार से यूज़ करो चीज़ें ख़राब नहीं होती, अगर आप इसको बहुत रफ यूज़ करो फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मगर इनका अल्टरनेट मिल जाता है, नहीं मिल जाती हैं, ये कोई महंगी इतनी नहीं है कि आप कह दो कि जी नहीं मिलती या पता नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में परेशान ना होना। बाकी ये भी इधर इन्होंने, इधर से भी देख रहे हो उन्हें रोशनी का मैंने बताया ना, इन्होंने इस पर बहुत काम किया है, ये हर बंदा नहीं करता, इधर से भी आपको रोशनी आएगी, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, इधर से फिर आपको ये भी दिखाते हैं, ये भी देख लो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने दोस्तों बहुत घर देखे हैं, छोटे घरों में लोग क्वालिटी इश्यूज कर लेते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्वालिटी इन्होंने हल्की नहीं यूज़ की, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, आगे अल्लाह नसीब करे वही बात है कि आप अच्छे तरीके से रहोगे तो कोई मसला नहीं, रफ़ यूज़ चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो, चीज़ें अच्छी भी हो वो ख़राब हो जाएगी। ये वापस आ गए हम, ये एक छोटा सा आप कह लो इसको टीवी लाउंज तो नहीं बोल सकते, कॉरिडोर है, और ऊपर ये स्मॉल साइज़ का किचन है, ठीक है, ये एक स्मार्ट साइज़ का छोटा सा किचन है कि अगर एक और फैमिली ऊपर रह रही हो तो वो भी अपना जो है खाने पीने का हिसाब किताब लगा सकती है, ठीक है। ये यहाँ से जी ऑन हो गया। इधर दोस्तों शोर बड़ा है, तोते भी बोल रहे हैं, मैं अब उसका तो कुछ नहीं दोस्तों, तोतों को तो मैं नहीं समझा सकता कि भाई ना बोलो हैं। ये दोस्तों अगला इसका थर्ड बेडरूम, ये थ्री बेडरूम हाउस है, ठीक है, एक नीचे दो ऊपर, और इसका रजिस्ट्री इंतकाल सारा कुछ है, ठीक है। ये भी वार्डरोब, इधर से फिर हम इधर आ गए, ये आ गया जी हमारा थर्ड मास्टर बेड के साथ जो वॉशरूम है वो है, ठीक है। इधर भी अच्छा है इन्होंने एक ये कि ग्रे का टेक्सचर, ग्रे टच दिया है, ज़्यादातर ग्रे ग्रे ग्रे, तो ये भी एक अच्छा लग रहा है, ग्रे एक लाइट से में टच से में आता है, ठीक है। बाकी यही है दोस्तों चीज़ें, आप ये कि ध्यान से यूज़ करो, चीज़ों को कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये भी दिखा दिया मैंने, और इसके बाद हम यहाँ आ गए, यहाँ भी आप एक बेड रख लो, एक दो चीज़ें रख लो, वार्डरोब पहले ही है तो आप इजी होके रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ दोस्तों, स्विचेज इन्होंने काफ़ी दी हैं, ये देख रहे हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो तो नहीं है, मतलब चार्जिंग के लिए उधर भी, उधर भी, उधर भी,
इधर 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 आप देखो, एक कमरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक कमरे में 6 यानी इन्होंने चार्जिंग के लिए दी हैं। या वैसे भी स्विचेज अगर आपने कोई चीज़ लगानी हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, सॉकेट लगाना हो, ठीक है। तो दोस्तों इससे अच्छा और मतलब क्या आपको सोच होगी, जेन होगा, ये एक शैंडेलियर सा। और दोस्तों असल चीज़ है यहाँ, ये जो दोस्तों चीज़ है ना, ये समझो वर्थ मिलियन डॉलर वाला हिसाब है कि यहाँ से अब हम आ गए ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर भी दिखाते हैं आपको, वर्साचे स्टाइल की ग्रिल और साथ में ये। इससे दोस्तों मैंने बहुत घर देखे हैं, ये चीज़ आज तक नहीं देखी। ये सनरूम टाइप सा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, मैंने बताया ना इस घर में प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने रोशनी का बहुत अच्छी तरह से सारा हिसाब किताब लगाया है। दोस्तों ये देख रहे हो कितना माशाल्लाह खूबसूरत शैंडेलियर का ड्रॉप बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर, मौसम भी बड़ा माहौल है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है दोस्तों, घर वाकई मैं बताऊँ वर्थ इट है। ये जी आ गया हम सनरूम से इधर, ठीक है, ये और ये सीढ़ियाँ, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़, ये दोस्तों ये शुगल मैं बता रहा हूँ आपको नहीं मिलेंगे, एक जिसे कहते हैं छोटे से घर में तीसरी मंजिल पे आपको बैठने की जगह शाम को बारबेक्यू के लिए। और वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मौसम अच्छा हो आप वैसे भी आ सकते हो। इतना खूबसूरत मैं बता रहा हूँ ना घर, और इतनी खूबसूरत सोच, और इतना आप कह लो हिसाब किताब कवरिंग जो इसकी की है दोस्तों, मैंने आज तक नहीं देखी, बिलीव मी। ये सामने भी घर बन रहा है मगर मैंने आज तक इस तरह की कवरिंग नहीं देखी। ये लॉन देख के वाकई मैं खुद ये कि यही देखता हूँ कि दोस्तों कोई भी इस तरह का नहीं बनाता, ठीक है। ये आर्टिफिशियल ग्रास है और ये साथ में ग्रीनरी का काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कंट्रास्ट दिया है। ये दोस्तों ये भी चीज़ बहुत चल रही है, बहुत इन है ये भी डिज़ाइन आजकल, ये शेर वाला, यहाँ पानी आता है, ठीक है। ये तोते मेरे ख्याल है साथ काफ़ी हैं। ये बैठने की जगह दोस्तों, आप इजी होके फैमिली के साथ बैठ सकते हो और वेदर इन्जॉय कर सकते हो, कॉफ़ी चाय जो आपने पीना है पी सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, इधर मौसम अच्छा है बैठ सकते हो, ठीक है। नेचुरल थोड़ा सा एक माहौल लगता है जैसे आप बैठे हुए हो, ग्रीनरी सी है। तो ये है कि की रसी उन है घर दोस्तों छोड़ने वाला नहीं है, मगर एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा, घर दोस्तों बिक गया हुआ है, ये बुरी खबर है। ये आज इसी टाइम मेरे आने से 2-3 घंटे पहले मुझे पता चला कि ये टोकन हो गया हुआ है, और इसकी डिमांड थी 1,10,00,000 और ये मैं 1,08,07,00,000 में बिका है ये घर, ठीक है। तो ये बैड न्यूज़ थी दोस्तों, हम किसी मैनू कोच होकर फिर कि वीडियो क्यों बनाई। दोस्तों इस तरह घर आपको वीडियो के लिए भी नहीं मिलते, ढूंढने से भी नहीं मिलते, क्वालिटी वर्क, ठीक है। तो यही है कि घर की वाकई वर्थ है। और अगर आप चाहते हो ये घर, अभी मैं बता रहा हूँ अच्छी आपके लिए खबर ये है कि अगर आप चाहते हो आप ये घर बनवाना, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा बिल्डर का, वो आपको यही स्टैंडर्ड्स का घर बना के दे देंगे जहाँ आप चाहोगे, जहाँ आपकी जगह होगी, ठीक है। तो ये एक खुशखबरी भी है, ठीक है, इसके लिए कि ईजी रहो। अगर आप चाहते हो, सीरियस हो, तो मैं आपको नंबर दूंगा कमेंट में, इस टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा दोस्तों, फिर लोग तंग बहुत करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये घर आपको बन जाएगा, ठीक है, ये सारा इसी तरह होगा, जगह आपकी, घर ये बना देंगे, ठीक है। उसके फिर जो भी चार्जेस हैं वो आप लोग डिसाइड कर लेना, वो मैं नहीं जानता, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हाउस का टूर, यहाँ से भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये ऊपर ये इसकी बैक साइड है, वहाँ से ये एंट्री है, ठीक है, वहाँ से हम आए। तो दोस्तों वाकई घर एक से एक चीज़ ख़ास से ख़ास निकल रही है, ठीक है। ये बहुत ही ख़ास घर था दोस्तों, ठीक है। अब तो दोस्तों आपसे इजाज़त लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखने का दोस्तों बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज पे लाइक करना ना भूलिएगा, हमने फेसबुक पेज भी बना लिया डिफरेंट रिव्यू के नाम से। और तो और दोस्तों इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। आपकी नज़र में भी इस तरह का कोई घर, या आप कोई समझते हैं कोई इस तरह की चीज़ घर, कोई बिल्डिंग कोई है, मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मुझे लोकेशन बता दीजिएगा, वहाँ जाके भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं।
दोस्तों ये घर फॉर सेल हो गया है, ये फॉर सेल था मगर सोल्ड हो गया आज इसी टाइम में। आया तो इसकी वीडियो बनाने था मगर वीडियो तो उन्होंने मुझे बनाने थी, बहुत अच्छे भाई हैं और ये है कि आई विल हाईली अप्रिशिएट द बिल्डर्स। और ये है कि मैं नंबर दोस्तों कमेंट में दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, अगर आप चाहते हो ये घर आपको चाहिए तो ये घर आपको वो बना देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं, रौला नहीं, ऐ नहीं देखो कोई और सही, ठीक है, यही चीज़ बन जाएगी आपकी जगह पर, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा करते हैं, बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।